हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज डेट 1/5/2020, डे फ्राइडे, सब्जेक्ट सोशल स्टडीज, क्लास 5, बुक टाइम टेल्स, चैप्टर 2. आई हैव टोल्ड यू दैट आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 2. सो दिस आर द क्वेश्चन आंसर्स. आई विल जस्ट रीड द आंसर्स, ओके, एंड आई विल गिव यू द लिंक. यू कैन कॉपी फ्रॉम द लिंक. ओके. Chapter 2, Latitudes and Longitudes. Number G. Answer the question in brief. Number 1. Write two features of the meridians. The two features of the meridians are: all meridians are of the same length and each one is semicircle. The distance between any two meridians increase at the equator and decrease as we go near poles. Okay. The question has been asked. Write two features of the meridian. You have to write. आपको यहाँ पे मेरिडियन का दो फीचर्स लिखना है. ओके. दो 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 फीचर्स क्या है मेरिडियन का, कि सब मेरिडियंस सेम लेंथ के होते हैं और वो सेमी सर्कल, अगर उसको एक को देखा जाए तो सेमी सर्कल के रूप में है. ओके. द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस, जो डिस्टेंस है टू मेरिडियंस के बीच में वो क्या है, इक्वेटर पे ज़्यादा है और पोल्स में कम है. हम लोग जैसे पढ़े थे इक्वेटर में वो डिस्टेंस क्या है मेरिडियंस का, ज़्यादा है और पोल्स में वो क्या जाके टच कर लेते हैं, राइट, कम है. व्हाट इज द मेरिडियन दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच कॉल्ड, जो ग्रीनविच में जो मेरिडियन पास करता है उसका नाम क्या है. द मेरिडियन दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. ओके. जो मेरिडियन ग्रीनविच में पास करता है उसे हम क्या क्या नाम से जाना जाता है, प्राइम मेरिडियन. व्हाट इट. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज अ ग्रिड, the network of lines that are formed by latitudes and longitudes which cross each other on a map or globe is known as grid. Okay, grid kya hai, network of lines hai jo aapka latitudes aur longitudes se banaya jata hai, jo ek dusre ko cross karta hai map ya globe mein, use hum grid bolte hain. theek hai. answer the question in detail. oh, sorry. how do we locate places on map? We can locate places on the map by determining where lines of latitudes and longitude cross or intersect. Coordinates are used for finding the exact location of a place. For example, a place lies at 40 degree north latitude and 74 degree west longitude. This line meets at New York. So New York City lies at the coordinates 40 degree north and 74 degree west. Okay? Okay. यहाँ पे हम लोग पढ़े थे हम लोग कैसे मैप में प्लेस को लोकेट कर सकते, राइट. सो वी कैन लोकेट सो वी कैन लोकेट प्लेसेज ऑन द मैप. हम लोग कैसे मैप में प्लेस को लोकेट कर पाएंगे, बट डिटरमाइनिंग द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कि वो कहाँ क्रॉस करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, राइट. तो कोऑर्डिनेट्स है जिसके द्वारा हम एग्जैक्ट लोकेशन मैप में खोज पाते हैं या फिर फॉर अ प्लेस, कोई भी जगह के लिए. सो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, जब भी लाइन जहाँ मीट करते हैं वहाँ पर एक सिटी का नेम है न्यूयॉर्क. ओके. तो जो हम लोग कैसे जो न्यूयॉर्क सिटी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 74 डिग्री वेस्ट. तो इस प्रकार से हमें मैप में उस जगह को लोकेट करने में हमें मदद मिलती है. गॉट इट. उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस क्या है. द डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड लैटिट्यूड लाइन्स आर ऑल्सो नोन एज पैरल्स. लैटिट्यूड लाइन्स को हम लोग पैरल लाइन्स के नाम से भी जाना जाते हैं. Longitudinal lines are also known as meridians. Okay. Latitude they run from direction east to west and are parallel at the equator. And longitude they run from the direction north to south and are converging at the poles and widest at the equator. देखिए latitude क्या है, जो जो line है वो आपका east to west direction में क्या करता है, run करता है, और ये क्या है, parallel है equator पे. जबकि longitude उन लोग north to south डायरेक्शन पे रन करते हैं और उन लोग कन्वर्जिंग एट द पोल्स, मतलब उन लोग पोल्स में काफ़ी क्लोज है और इक्वेटर में क्या है, दूर है. तो इसलिए कन्वर्जिंग एट द पोल्स एंड वाइडेस्ट एट द इक्वेटर, दे आर पैरल लाइंस. लैटिट्यूड पैरल लाइंस है, लॉन्गिट्यूड क्या है, पैरल लाइंस नहीं है. ओके. ये तीन डिफरेंस है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सॉरी, व्हाई इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लैटिट्यूड सेम. यहाँ पे बोला गया कि क्यों दो लैटिट्यूड्स का डिस्टेंस सेम है. द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लैटिट्यूड्स इज सेम बिकॉज लैटिट्यूड्स रन पैरेलल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. लैटिट्यूड्स
जो डिस्टेंस है लैटिट्यूड्स का वो क्यों सेम क्यों है, बिकॉज लैटिट्यूड जो लाइन है वो क्या आपका पैरेलल रन करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नेवर मीट्स द अदर लैटिट्यूड, और वो अदर लैटिट्यूड को मीट नहीं कर पाता, मीट नहीं करता है। द इक्वेटर और द 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, जो इक्वेटर है जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड से जाना जाता है, वो क्या करता है अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड करता है, वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इस प्रकार से लैटिट्यूड्स क्या है सेम है ओके, बिकॉज लैटिट्यूड्स क्या है, एक तो पहली बात इन लोग पैरेलल रन करता है ईस्ट टू वेस्ट और एक दूसरे से मिलता नहीं है, और दूसरी बात जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 बराबर भाग में डिवाइड किया गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, जिसके वजह से लैटिट्यूड्स क्या है हमेशा सेम रहते हैं, द डिस्टेंस जो रहता है लैटिट्यूड्स के बीच वो हमेशा सेम रहते हैं ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन आंसर्स, आई जस्ट वॉन्ट यू टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर्स इन अ कॉपी एंड लर्न बाय हार्ट ओके। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।